ओके, तो आज का जो वीडियो है ये आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो हो सकता है भाई, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं जो आपके लिए लाइफ सेविंग साबित हो सकता है। चाहे आप टेक्निकल हो, चाहे आप नॉन टेक्निकल हो, चाहे आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, उस सॉफ्टवेयर को आप बहुत ईजिली यूज कर सकते हो। और ये चीज तो आपको पता है भाई कि आज का जो दौर है वो स्मार्टफोन वाला दौर है, मतलब एक टीनेजर से लेकर के ओल्ड एज वाले व्यक्ति तक हर व्यक्ति के पास में स्मार्टफोन मिलता है और हर व्यक्ति अपने प्रीशियस मोमेंट्स को अपने स्मार्टफोन के अंदर कैप्चर करना पसंद करता है। और कभी कभी ये जो मेमोरीज होती है ना भाई, इतनी ज्यादा प्रीशियस हो जाती है, वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट्स बन जाते हैं कि उन जो फाइल्स होती है, जो वीडियोस होते हैं, जो मेमोरीज होती है, उनको हम हमारे साथ में लाइफ टाइम रखना चाहते हैं। या भाई मेमोरीज की बात ना करें, किसी और इंपॉर्टेंट फाइल की बात कर लें, चाहे आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स हो, चाहे आपके कोई भाई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट हो, कोई ऐसी चीज हो जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाय चांस अगर वो मेमोरीज या वो इंपॉर्टेंट फाइल्स आपके हाथ से डिलीट हो जाती है, आपके हार्ड डिस्क से, आपकी पेन ड्राइव से, आपके मेमोरी कार्ड से, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है भाई। दुख भी बहुत ज्यादा होता है और दिक्कतें भी कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वंडरशेयर रिकवर इट सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपनी लॉस्ट फाइल्स को बहुत इजीली रिकवर कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम डेमो करने वाले हैं इसी सॉफ्टवेयर का और देखेंगे भाई कि क्या एक्चुअल में ये वाला सॉफ्टवेयर वाकई में आपकी जो डिलीटेड फाइल्स है उनको प्रॉपरली रिकवर कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आप पहुंच जाएंगे रिकवर इट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर रिकवर इट सॉफ्टवेयर से जुड़ी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये वाला जो सॉफ्टवेयर है आपको दो वर्जन में मिलता है, फ्री वर्जन में मिलता है और पेड वर्जन में मिलता है। फ्री वर्जन के साथ में आप 100 MB की फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं, 100 MB तक की फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं। और अगर इससे ऊपर की आपको फाइल्स रिकवर करनी है तो फिर आपको पेड वर्जन की तरफ जाना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम फ्री वर्जन का यूज़ करने वाले हैं। अगर लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो इस सॉफ्टवेयर का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है वर्जन 9.5 और ये वाला जो सॉफ्टवेयर है विंडोज और मैक दोनों के साथ में कंपैटिबल है। और विंडोज की अगर बात करें तो विंडोज XP से लेकर के 10 तक सारे वेरिएंट्स के साथ में आपको कंपैटिबल मिलता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर फ्री डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका सॉफ्टवेयर यहां पर डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली डाउनलोड करी हुई फाइल पर आपको क्लिक करना है और इजीली आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो वंडरशेयर रिकवर इट हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल हो चुका है। और जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का कंट्रोल पैनल यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। यहां पर ऊपर की तरफ अगर आप ध्यान दोगे तो अभी हम इसका फ्री वेरिएंट यूज कर रहे हैं, अभी तक हमने इसको अपग्रेड नहीं करा है। आज की वीडियो में फ्री वर्जन यूज करेंगे और देखें भाई कि एक्चुअल में ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये फाइल्स को रिकवर करता है या नहीं करता है। यहां पर आप देख सकते हो भाई USB ड्राइव G जो कि मेरी पेन ड्राइव है, वहां पर मैंने एक फोल्डर बनाया है रिकवरी टेस्ट करके। यहां पर मैंने अपनी दो MP4 वीडियो फाइल्स रख रखी है जिनको मैं अब डिलीट करने वाला हूं और उसके बाद में हम रिकवर करेंगे इसको रिकवर इट के थ्रू। यहां पर अगर आप साइज देखोगे तो पहली जो फाइल है वो 65 MB के आसपास है, दूसरी जो फाइल है वो 30 MB के आसपास है, मतलब इन ऑल टोटल करीब 95 MB के आसपास बनता है। और अब मैं क्या करता हूं, इनको शिफ्ट डिलीट करता हूं, मतलब इन वाली फाइल्स को मैं परमानेंटली यहां से डिलीट करने वाला हूं। तो ये जो फाइल्स है यहां पर रिकवरी टेस्ट में से डिलीट हो चुकी है। अब मैं वापस जाता हूं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर और यहां पर मैं सिलेक्ट करता हूं अपनी लोकल डिस्क G को और उसी के साथ में बस मेरे को यहां पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और ये जो सॉफ्टवेयर है ये स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। यहां पर आप देख सकते हो 50% स्कैन हो चुका है और उसके बाद में यहां पर आप देखोगे तो रिकवरी टेस्ट के अंदर ये जो दो फाइल्स हैं ये दोनों फाइल्स रिकवर यहां पर हो चुकी है। वैसे तो भाई ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये पूरी तरीके से आपकी ड्राइव को स्कैन करने वाला है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी फाइल्स आपको मिल गई है तो आप इनको यहां से स्टॉप भी कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि भाई इसको पूरी तरीके से आप स्कैन कर लेने दीजिए। तो अभी मैं इसको पूरी तरीके से स्कैन हो जाने देता हूं, उसके बाद में इन दो फाइल्स को अपन रिकवर करके देखते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर अब स्कैन हो चुका है कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, इन दोनों फाइल्स को रिकवर करना है। तो सिंपली यहां पर दोनों फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे, नीचे की तरफ रिकवर बटन आपको दिख रहा है, आपको यहां पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहां पर आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा कि आपको इन फाइल्स को किस लोकेशन पर सेव करना है। और इस चीज का ध्यान रखना भाई कि सेम लोकेशन पर आपको इन फाइल्स को वापस से सेव नहीं करना है, किसी दूसरी लोकेशन पर जाकर के सेव करना है। तो यहां पर मैंने ई ड्राइव के अंदर रिकवर्ड करके एक फोल्डर बना रखा है जहां पर हम इसको रिकवर करेंगे और सिंपली आपको रिकवर बटन पर क्लिक कर देना है। और यहां पर रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है और दो फाइल्स
फाइल्स यहाँ पर रिकवर हो चुकी हैं। हम जाते हैं इस फोल्डर के अंदर और देखते हैं भाई ये दो फाइल्स यहाँ पर रिकवर हो चुकी है और क्या ये एक्चुअल में वही फाइल्स हैं, तो इनको हम प्ले करके देख लेते हैं। ओके तो ये वाला जो वीडियो है ये मैं केवल और केवल इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि इसको पहले अपन अपनी पेन ड्राइव से डिलीट करें, उसके बाद में वंडर शेयर रिकवरी सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको अपन रिकवर करने की कोशिश करेंगे कि ये वाला वीडियो उस सॉफ्टवेयर से रिकवर होता है या नहीं होता है। तकरीबन इसको 60 से 70 MB के आसपास अपन बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में देखते हैं भाई कि ये वाला जो सॉफ्टवेयर है इसका जो फ्री वेरियंट है वो इस वाले वीडियो को रिकवर कर पाता है या नहीं कर पाता है। ओके तो देखा आपने भाई कि कितना इजीली हम अपनी डिलीटेड फाइल्स को यहां पर रिकवर कर सकते हैं, चाहे फाइल्स आपके एसडी कार्ड से डिलीट हुई हो, चाहे आपके मोबाइल से डिलीट हुई हो, आपके हार्ड डिस्क से डिलीट हुई हो, कहीं से भी डिलीट हुई हो, 100 MB तक की फाइल्स को आप वंडरशेयर रिकवरी का यूज करके फ्री में रिकवर कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये एक्चुअल में आपके लिए हैंडी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो फिर जाकर के आप इसका पेड वर्जन परचेस कर सकते हैं। $60 के आसपास आपको इसका पेड वर्जन मिलता है, लाइफ टाइम वाला लाइसेंस आपको मिल जाता है $60 में, और लिटरली ये वाला जो सॉफ्टवेयर है भाई आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकता है। कभी कभी मेरे साथ में ऐसा होता है भाई कि जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं उसकी जो प्रोजेक्ट फाइल से वो डिलीट हो जाती है और उसके बाद में या तो मेरे को वापस से भाई वीडियो बनाना पड़ता है या फिर रिकवर वाले सॉफ्टवेयर का यूज करना होता है, तो भाई मोस्टली तो मैं रिकवर वाले सॉफ्टवेयर का यूज करना ही पसंद करूंगा क्योंकि भाई वापस से वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। लेकिन अगर इतना इजी टू यूज आपको रिकवरी सॉफ्टवेयर मिलता है तो काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए हो जाता है। अगर आपको ये वाला सॉफ्टवेयर पसंद आया है, अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर के आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी डिलीट करी हुई मेमोरीज को, अपनी डिलीट करी हुई फाइल्स को इजीली रिकवर कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।